आए तो शायद ऐसा मनाना चाहिए। जिस स्कूल के प्रांगण में खड़े हैं उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि संयुक्त रूप से राखी का त्यौहार हमने आज मनाया है। सरपंच साहब है मेरे पास में, समाज सेवी जाखड़ साहब है, पूरा स्टाफ है, इन सबको नमस्कार करते हुए आगे चलते हुए बात शुरू करेंगे। राजू भाई आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, वायरल तो आप हो ही। आज के कार्यक्रम की ये रूपरेखा क्या थी? आज की जब से मेरे पापा ही प्रधान अध्यापक है, जब से हम बोलते हैं घर की खेती है, कभी काटो कभी कुछ करो, पापा ने सिखाया है कि डर के मत रहो, ऐसा पापा ने सिखाया। पापा ने सिखाया, पापा ने और भी कुछ सिखाया है या नहीं सिखाया? और भी सिखाया है ना। क्या सिखाया है? संघर्ष करते रहे। अनमेरिड थे जब, ये मैडम जी से आप सवाल कर रहे थे कि इनके बारे में, आपकी शरारत के बारे में क्या पता, तो मैं इनके पास पढ़ा नहीं हूँ, इनके पास पढ़ाऊँ कि इनकी शादी उनके बाद ही हुई थी, तो इनके बाद में इनका जन्म हुआ, इनका जन्म शायद सहजराश्री हुआ है, ठीक है। और ये इनके जितने भी व्यवहार, जो संस्कार, जो इनका जो है, रक्षा के सूत्र में बांधने वाला त्यौहार, या यूं कहें कि सीमा पर तैनात वो जवान जो हमेशा हमारी रक्षा के लिए 24/7 तत्पर रहता है। एक ऐसा ही त्यौहार जिसकी मिसाल और पेशकश प्रतिवर्ष अपने अपने अंदाज में सभी करते आए हैं, परंतु वो अगले ही लोग होते हैं जो ऐसा सुख भोग पाते हैं। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुदेश राजस्थानी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से आपको बता दूं कि मैं सहजरासर गांव में हूं, वही सहजरासर गांव जिसमें वायरल सरपंच की जबरदस्त कहानी को हमने अंजाम दिया था। एक ऐसा सरपंच जिसने कर बताया कुछ नया, आज उन्हीं की पंचायत में कर बताया है कुछ ऐसा कि आप भी कहेंगे वाह वाह कमाल हो गया। कमाल और धमाल तो यूं ही मस्ता रहता है, लेकिन जिक्र उस बात का तब आता है जब रक्षाबंधन का नाम जुबान पर आता है। इसलिए ये जो बच्चे देख रहे हैं आप आसपास और विजुअल देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये सारे विजुअल चिल्ला चिल्ला के ये बात कह रहे हैं कि रक्षाबंधन का अगर कोई त्यौहार मनाए तो शायद ऐसा मनाना चाहिए। जिस स्कूल के प्रांगण में खड़े हैं उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि संयुक्त रूप से राखी का त्यौहार हमने आज मनाया है। सरपंच साहब है मेरे पास में, समाज सेवी जाखड़ साहब है, पूरा स्टाफ है, इन सबको नमस्कार करते हुए आगे चलते हुए बात शुरू करेंगे। राजू भाई आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, वायरल तो आप हो ही। आज के कार्यक्रम की ये रूपरेखा क्या थी? आज के इस कार्यक्रम में जो आप हमारी ग्राम पंचायत सहजराश्रम में पधारे हैं, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सुदेश भाई आपका क्या थे? हाँ, पढ़ाई में बढ़िया थे। शैतानी शैतानी करते थे? नहीं नहीं, हमारे पास कोई शैतानी नहीं करते। मैडम आपको पता है शैतानी करते थे? मैडम नहीं थे। अच्छा, शैतानी नहीं करते थे, पढ़ाई करते थे। शैतानी तो कोई बच्चा करता ही नहीं है। नहीं, आपके हाथ से चांटे कितने खाए हैं? चांटे तो देखो वो भूल जाते, लेकिन चांटे तो हर बच्चा खाता ही है, चांटे तो खाए ही है, ऐसा तो है ही नहीं। आज गौरव फील होता है कि सरपंच बन गए हैं। बिल्कुल, मैं हमें जिस दिन चुनाव प्रक्रिया आई, उसने चुनाव लड़ने की घोषणा की, उसी दिन से हमारा जी को दिल बहुत खुशी हुई और सरपंच बन गए। और 5 सालों से हमारे बीच में जो प्राइवेट संस्था में 24 सालों से चला रहा हूँ, पीछे सरपंच बहुत बने, लेकिन जितना सहयोग रहा है, जितना हमारा साथ रहा है, किसी सरपंच का नहीं रहा। जय करम के बारे में के होगा थे किया लगे थाना आज को करम। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत, आपके मेरे गांव की पवित्र भूमि में पधारे हैं और सब पूरी आपकी मीडिया टीम का बहुत बहुत स्वागत। आज का बहुत ही शानदार प्रोग्राम, भाई बहन के पवित्र रिश्तों, देखो दुनिया में सबसे अच्छा रिश्तों है तो भाई बहन ही, एक दुनिया में आपके भाई की बहुत ही लंबी उम्र की कामना, हजारों कोस दूर बैठी भी मन में यह चाहेगा मेरे भाई मेरे 1000 साल जिए और इसी दुनिया में कोई पवित्र रिश्तों को नहीं। बहुत ही शानदार और जानदार कार्यक्रम रखा जी। सब आप नीचे चल रहे, एक दो बच्चियाँ की कमेंट है वो लेंगे। दोस्तों कहा जाता है कि आज़ादी के बाद में हमारा देश हमेशा स्वतंत्रता का पर्व मनाता आया है, अभी मनाते हुए अपने 2 दिन हुए हैं, लेकिन एक ऐसा पर्व जिसकी रक्षा में बांधने का जो सूत्र है, वो हमेशा उस सूत्र को एक धागे में बांधने का हम काम करते हैं। एक बच्ची है, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, आपका क्या नाम है? लक्ष्मी। लक्ष्मी, आप इसी स्कूल में कौन सी क्लास तक पढ़े हो? हम पहली कक्षा से। पहली कक्षा से। आप में इतना बोलने का जो कॉन्फिडेंस है वो कहाँ से आया? जी, जब से मेरे पापा ही प्रधान अध्यापक है, जब से हम बोलते हैं घर की खेती है, कभी काटो कभी कुछ करो, पापा ने सिखाया है कि डर के मत रहो।
ऐसा पापा ने सिखाया। पापा ने सिखाया, पापा ने और भी कुछ सिखाया या नहीं सिखाया? और भी सिखाया है ना। क्या सिखाया है? संघर्ष करते रहो, उच्च विचारों में अपनी प्रगति करो, ऐसे बहुत से उच्च विचार सिखाए हमें। पापा की स्कूल में फिर रोबदारी वाली छवि रही होगी आपकी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पापा भी हमें साधारण बच्चों की तरह ही रखते हैं। ऐसे नहीं दूसरी बच्चियों को लोटा पानी लेके आ, नहीं तो मैं ऐसे कर दूंगी? नहीं नहीं नहीं, दादागिरी रही है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, नहीं रही है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। आज के कार्यक्रम को आप किस नजर में देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है, पहले हमारे स्कूल में ऐसा नहीं हुआ था। आज बहुत अच्छा लगा कि हम भी अपने भाइयों को राखी बांध रहे हैं, लोग और भाई तो हमारे होते हैं पर और भी अलग अलग हमारे भाइयों को राखी बांध रहे हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। अच्छा मैं आपसे अंतिम प्रश्न करूँगा कि आप क्या इन फ्यूचर क्या बनना पसंद करोगे? मेरे पापा का सपना है कि मैं मास्टर मतलब टीचर बनूं, पर मेरा सपना है कि मैं जिला कलेक्टर बनूं। वाह क्या बात है। तो समझाते हैं आपके फादर साहब को, और भी कई बच्चियां हैं, कौन सी क्लास में पढ़ती है बेटा? टेंथ में। हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप कौन सी क्लास में हो? तो ये जो बच्चियाँ हैं, अंतिम प्रश्न मैं आपसे ही पूछूंगा क्योंकि बाकी नहीं बोल पाती, बोलने के लिए क्या चाहिए? जुनून चाहिए, हिम्मत चाहिए, क्या चाहिए? जुनून, हौसला, बुलंद, सब कुछ चाहिए। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, लड़कियों को हमेशा कमजोर आंका जाता है, हमेशा कहा जाता है कि अत्याचार होता है, उनको चूल्हे चौके तक सीमित रखा जाता है। क्या रक्षाबंधन के दिन भी आपको लगता है कि गांवों में बच्चियां आज़ाद है, रक्षाबंधन के दिन भी वो चूल्हे चौके से बाहर आ सकती है? नहीं, रक्षाबंधन के दिन भी पूरा खाना लड़कियां ही बनाती है, पूरा काम लड़कियां ही करती है। ऐसा क्यों, दोगला व्यवहार क्यों? हमेशा गाँव में देखते हैं कि लड़कों को ही ज़्यादातर पढ़ाया जाता है, लड़कों को बाहर भेजा जाता है, लड़कियां कहते हैं नहीं घर पर ही रहो और स्कूल में ही पढ़ो, यहाँ पे बस, और कॉलेज भी कराते हैं तो प्राइवेट करा के छोड़ देते हैं, ऐसा ही करते हैं। सरपंच साहब ने आपके फादर के स्कूल के लिए एक बच्ची को गोद लिया है, सरपंच साहब यहीं पढ़े हैं, कभी पापा पे प्राउड फील होगा कि जिस स्टूडेंट को पढ़ाया उस स्टूडेंट ने इतना शानदार काम किया? हाँ जरूर, क्यों नहीं, पापा के पास जितने पढ़े हैं कई उनमें से तो अभी तक नौकरी भी लग गए हैं। हमें भी होता है कि हमारे पापा है इतने साल से पढ़ा रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि ये जो नौकरी लग रहे हैं, और हमें भी पापा यही सिखाते हैं कि आप भी इनके जैसे बनो। भविष्य में चुनाव लड़ने का इरादा है? चुनाव नेतागिरी में आने का है? कुछ कुछ है, कुछ है। सरपंच साहब आपके कॉम्पिटिटर पैदा हो गए हैं, देखो उस बच्ची के बारे में क्या कहेंगे आप? इस बच्ची के बारे में यही कहूँगा सर, इनका जन्म यही हुआ है। मैं जहाँ गुरुजी के पास नाइन्थ क्लास में शिक्षा ग्रहण करता था तब ये अनमेरिड थे। जब ये मैडम जी से आप सवाल कर रहे थे कि इनके बारे में, आपकी शरारत के बारे में क्या पता, तो मैं इनके पास पढ़ा नहीं हूँ, इनके पास पढ़ाऊँ कि इनकी शादी उनके बाद ही हुई थी, तो इनके बाद में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म शायद सहजराश्री हुआ है, ठीक है। और ये इनके जितने भी व्यवहार, जो संस्कार, जो इनका जो व्यवहार हमारे गांव के माहौल के हिसाब से इनका सारा व्यवहार है वो तैयार हुआ है। जिस प्रकार से ये बोल रही है इस प्रकार से लग रहा है कि जरूरी नहीं है कि जो बोलने वाला वो कोई नेता ही बने या नेत्री ही बने, हो सकता है वो कोई प्रशासनिक सेवा के अंदर ही कोई अच्छा दमदार ऑफिसर बने। तो मेरी कामना है इन सब बहनों के लिए कि इस प्रकार का कोई दमदार ऑफिसर, अगर सरपंच का चुनाव लड़ते हैं तो आप सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। सरपंच का चुनाव लड़ते हैं ये आचार्य कास्ट है, ओबीसी से आते हैं या जनरल से किसी भी सीट से अगर चुनाव लड़ते हैं तो मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। गाँव की कोई भी बच्ची है, मुझे बड़ा प्राउड फील होता है, गर्व महसूस करता हूँ इसमें। तो भाई ये थे सरपंच साहब, बहुत बहुत आभार। आपने कैसा त्यौहार मनाया ये भी आप जरूर बताएंगे। तक के लिए शब्बा खैर, रब्बा खैर।